हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकविला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं एक ऐसे वीडियो एडिटर के बारे में जिससे आप जो है बहुत सारी फोटोज़ की स्लाइड बना सकते हैं और स्लाइड के साथ साथ में एक अलग स्टाइलिश फॉर्मेट में आप जो है वीडियो बना सकते हैं। साथ ही साथ में उसके पीछे में म्यूज़िक लगा सकते हैं, अपने मन की म्यूज़िक लगा सकते हैं। तो बस यही तो हमें चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इसका जो ऐप है उसका नाम है मोशो। तो मोशो ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, मोशो ऐप में वीडियो कैसे बनाते हैं, और मोशो नाम ही देख सकते हैं इसका, जो इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाता है, और इसका नाम है मोशो स्लाइड शो मेकर फोटो ऐप। तो ये ऐप को दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के दोस्तों, जैसे ही आप ओपन करते हैं, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, और जैसा आपको यहाँ पे स्लाइड घूमते हुए दिख रही हैं, आपको वीडियो दिख रहे हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे शो एक क्रिएट कर पाएंगे अपनी फोटोज का। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर मेकर मोशो शो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर नीचे आप प्लस बटन से भी जा सकते हैं। जाने के बाद में आपकी गैलरी यहाँ ओपन हो जाती है। गैलरी ओपन होने के बाद में दोस्तों, आपको यहाँ से अपना एक फ़ोटोज़ जो हैं, जो जो फ़ोटोज़ आपने क्लिक की हुई हैं, उनको आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। 6, 7, 8, 10 फ़ोटो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक फ़ोटो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये दोस्तों। जैसे ही आप फोटो ऐड करने के बाद में आप जो है ऊपर से ऐड वाली बटन को दबा देते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से ऑटोमेटिकली ये स्लाइड चलना शुरू हो जाती है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ की सेटिंग वाला ऑप्शन है, इस पर चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे दोस्तों, इसमें आपको अलग अलग फॉर्मेट दिए होते हैं। सबसे पहले इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आपको सेट करना है, क्योंकि अभी तो ये स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, लेकिन हमारी जो फोटोज़ हैं वो खड़ी खड़ी हैं, मतलब कि 9:16 पोर्ट्रेट के फॉर्म में। तो हम इसको पोर्ट्रेट के फॉर्मेट पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो ये हमारे अब जो स्लाइड चलेंगी वो पोर्ट्रेट के फॉर्मेट में चलेंगी। इसी तरह से आपको और अगर 1:1 का करना है तो या 1:1 का रहने दीजिए, या फिर 9:16 का करना है तो वो कर लीजिए। 16:9 जो है दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पैसे लगेंगे, तो हम वो फॉर्मेट यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। हम सिंपली 9:16 और 1:1 पे यूज़ करेंगे। करने के बाद में दोस्तों, हमें म्यूज़िक वाले ऑप्शन में चले जाना है। म्यूज़िक वाले ऑप्शन में पहले से यहाँ पे कोई म्यूज़िक बज रही होगी, या फिर आप बाहर वाले ऑप्शन में चले जाइए सबसे पहले। वो वाले ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे, आपको अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये किस तरह की स्लाइड आपको चलानी है, उनमें से जो भी आपको स्लाइड शो के इफेक्ट आपको पसंद आ रहा है, उसको आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों अलग अलग फॉर्मेट, और हमें जो भी फॉर्मेट पसंद आ रहा है, मान लीजिए एक ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हमने क्लिक करा दोस्तों। करने के बाद में ये फॉर्मेट तो हमें समझ में आ गया, सही है। अब यहाँ पर दोस्तों जो एडिट वाला एक पेंसिल वाला बटन, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर टाइटल भी डाल सकते हैं, जैसे कि इसका नाम कुछ और है, सेकेंड व्यक्ति का नाम कुछ और है, तो हमने यहाँ पर एक नाम डाल दिया शशांक, है ना। इसी तरह से सेकंड में ऐड कर दिया हमने हैंडसम बॉय, मान लीजिए हैंडसम बॉय डालना है, हैंडसम बॉय डाल दीजिए। तीसरे में कुछ और डाल दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो फोटोज़ डली हैं, ये हो सकता है इसमें आपको आधी दिख रही हों, अधूरी दिख रही हों, तो यहाँ पे क्रॉप वाला बटन भी दिया है, जिससे क्रॉप करने के बाद में आप यहाँ पे इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, और डन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर किसी की मुंडी वगैरह कट रही हो तो आप उसको यहाँ पे खिसका लीजिएगा इस तरह से आके। इसी तरह से आपको नीचे और स्लाइड, उसमें अगर कुछ नाम डालना है तो नाम यहाँ पर ऐड आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी फ़ोटोज़ भी थी, वो भी यहाँ पर हमारी सीधी फ़ोटो आ रही हैं। तो बाहर हम वापस चले आते हैं और कोई दूसरा फॉर्मेट यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, जो फॉर्मेट हमें अच्छा लग रहा हो। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मेट ये क्लिक कर लेते हैं, और इस तरह से करने के बाद में दोस्तों, आपका जो गाने वाला ऑप्शन है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन में चले जाइए। म्यूज़िक वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको माय म्यूज़िक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप अपने मोबाइल में अगर कोई म्यूज़िक डली है तो आपको वो उठा सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अक्सर ये जो ऐप्स होते हैं, इनमें कोई भी गाने नहीं डले होते हैं, क्योंकि इनके पास में कॉपीराइट आ सकता है। तो इसीलिए ये लोग जो है आपको माई म्यूज़िक का ऑप्शन दे रहे हैं, जहाँ पर आप इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, और आपको यहाँ पर आपके गाने जो गैलरी में डले होंगे या आपके जो ऑडियो में डले होंगे, तो यहाँ ऊपर आप देख के यहाँ से ऑडियो क्लिक कर सकते हैं, और आपके में जितने ऑडियो डले होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो बस आपको यहाँ से उठाना है जो आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ से उस म्यूज़िक को क्लिक कर देना है, और करने के बाद में जो भी म्यूज़िक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसमें से जो भी म्यूज़िक आप डालना चाहते हैं
उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये हमने एक म्यूजिक डाल दी है, ये हमारी म्यूजिक हमें देखने को मिल जा रही है। इसको आप आगे पीछे खिसकाना चाहते हैं तो स्लाइड यहाँ से खिसका सकते हैं, जहाँ से आप लाइन लेना चाहते हैं उठा लीजिए। करने के बाद में बस आपको यहाँ पे इसको डले रहने दीजिए और वापस आप चले आइए मेन ऑप्शन में। अब मैं आपको म्यूजिक बज रही है आपको सुना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि म्यूजिक हमारी पीछे बैकग्राउंड में बज रही है। इसी तरह से आपको कोई हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लगाना है या कोई नॉर्म गाना लगाना है फेवरेट, सब वो आप यहाँ लगा सकते हैं। और सब कुछ होने के बाद में देखिए, अभी तो इसमें आपको रुकता रुकता से चलता देखने को मिल रहा है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं करने के बाद में दोस्तों, आपको ऊपर सेव वाला बटन, इस पर क्लिक कर देना है। बस इतना ही काम है, अब आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिंपल सेव पर क्लिक करना है। अगर ये आपसे पेड वर्जन मांगे तो आपको ऊपर क्रॉस वाला बटन, उस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ हमारा सेव हो रहा है, 9% 20% तक पहुँचेगा और इसी तरह से ये 100% तक पहुंच जाएगा ऐसे करते करते। तो जैसे ही 100% हो जाएगा, आपकी गैलरी में आपका जो वीडियो है वो जाके सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, इसको सेव हो जाने देते हैं। और ये हमारा 100% यहाँ वीडियो सेव हो चुका है दोस्तों। और इसको अगर आप देखेंगे, जब ये प्ले करके आप इसको देखेंगे दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा चलता है। मतलब अभी आपको एडिटिंग में हो सकता है आपको देखने में इतना अच्छा समझ में ना आ रहा हो, आप अपनी गैलरी में जाइए, जाने के बाद वहाँ जाइए उसको प्ले करिए, तो आप देखेंगे कि एक अलग ही वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा स्लाइड, और जो फोटोज़ आपने डाली हैं, ये ध्यान रखिएगा आपकी जो फोटो है उनके पिक्सल अच्छे होने चाहिए ताकि वो यहाँ पे भी आपको अच्छा लगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा वीडियो बन चुका है मोशो ऐप के द्वारा। और मोशो के यहाँ आपको साइड में वाटरमार्क भी दिख रहा है, उसे हटाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको वहाँ पर नहीं हटेगा, क्योंकि उसका पेड वर्जन आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको वीडियो आपने बना लिया जो कि आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। और मोशो ऐप से आप दोस्तों इस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, मोशो ऐप को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों बने रही टेक वाला यूट्यूब चैनल में। स्टे रहो।